चाइना में एक ही वक्त में 7 सूरज नजर आने का वाकया हुआ है, जिसे पारलिया कहा जाता है। ये इस वक्त होता है जब फिजा में बर्फ के क्रिस्टल तैर रहे होते हैं और सूरज की रोशनी उनसे गुजरती है और रोशनी का रिफ्रैक्शन होता है। उससे आसमान में सूरज के गिर्द कई छोटे छोटे सूरज जैसे नुक्ते बनते हैं, जो देखने में यूं महसूस होते हैं जैसे कई सूरज हो। ये सिर्फ एक धोखा है। ये सर्द इलाकों में या ऊंची जगहों में ज्यादा आम होता है, जहां हवा में बर्फ और बर्फ के क्रिस्टल होते हैं। पिछले कुछ सालों में सोलर फ्लेयर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ये फेनोमेना सूरज के 11 सालों के सूरज साइकिल के साथ जुड़ा होता है। अभी हम सोलर साइकिल 25 में है, जो दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था और ये 2025 में अपनी पीक पर पहुंचने वाला है। जब सोलर साइकिल अपनी पीक पर होता है, सन स्पॉट्स और सोलर फ्लेयर्स ज़्यादा देखे जाते हैं। ये इंक्रीज नेचुरल है और एक्सपेक्टेड है, लेकिन इस दौरान ज़्यादा पावरफुल सोलर फ्लेयर्स भी हो सकते हैं, जो ज़मीन पर कम्युनिकेशन सिस्टम्स और सेटेलाइट को अफेक्टेड कर सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट्स और स्पेस एजेंसीज सोलर एक्टिविटी को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, ताकि स्पेस वेदर से रिलेटेड रिस्क को कम किया जा सके। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।